हम आपको बताना चाहते हैं कि जिला छिंदवाड़ा के चोरी तहसील के अंतर्गत आने वाला गांव रामगढ़ में वार्ड नंबर 7 में 10 महीने से पानी की समस्या है, ऐसा ग्रामीण जन बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि पानी पीने के लिए लंबी दूरी से पानी लाना पड़ता है, हम सभी बहुत परेशान हैं। 181 में भी शिकायत की गई लेकिन हमें समझा कर शांत करा दिया जाता है। PHE के द्वारा पाइपलाइन का काम चल रहा है और आप सभी चिंता ना करें, आपकी समस्या का जल्द से जल्द हल किया जाएगा, लेकिन अभी तक समस्या का हल नहीं हुआ है। ग्रामीण जनों ने बताया कि यदि हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमें किराए से टैंकर में पानी लाना पड़ता है, तब हमारा कार्यक्रम होता है। ग्रामीणों ने अपनी परेशानियों का दुखड़ा सुनाते हुए बताया कि हमें क्यों पानी नहीं दिया जा रहा है, हम ऐसे कब तक परेशान रहेंगे और PHE विभाग कब अपनी पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा करेगा, यही चिंता मंडरा रही है। ग्रामीणों से पूछा गया कि आप इतने दिनों से परेशान हैं, क्या आपने किसी अधिकारी को बताया है? तो उन्होंने कहा कि PHE को बताया है। PHE विभाग ने आश्वासन दिया है कि आप परेशान ना हो, पाइपलाइन का कार्य चल रहा है, अभी भोपाल से पाइप आने का है, जब आ जाएंगे तो तुरंत ही कार्य किया जाएगा। समय में उपस्थित सीताराम साहू, शरद चंदेल, खुर्सीराम पटेल, राम रहेश वर्मा, करण वर्मा, बुधवान बंदेवार आदि ग्रामीण जन उपस्थित थे। 6-7 महीने से नल नहीं आ रहा है, एक टाइम हम पानी लाने में हमारा व्यतीत हो जाता है, तो हम जीवन यापन करने के लिए बेरोजगारी टाइप है और क्या है, तो जल्द से जल्द हमारी समस्या का निवारण किया जाए। पुरानी लाइन उखाड़ के फेंक दी और नई लाइन डली भी नहीं है जी। 6-7 महीने से नल नहीं आ रहा है हमारे। अभी तक किसी अधिकारी से बात करें? 181 भी लगा दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, सरपंच सचिव से बात हुई? सबसे हो गई है, बस पाइप निकल गए है, आ रहे हैं, बस यही आश्वासन दिया जा रहा है। अभी वर्तमान में पानी कहाँ से लाते हैं आप? हैंडपम्प से लाते हैं और यहाँ नहीं मिलता, वो टाड़े है यहाँ से 3-4 किलोमीटर जी, वहाँ से लेके आते। जैसे कोई कार्यक्रम करना है तो फिर क्या स्थिति बनती है? क्या तो ये टैंकर बुलवाओ, किराया से आता है जी। तो आपका क्या कहना है? बस वही कहना है सर जी कि नल की व्यवस्था बनाई जाए, पाइपलाइन डलवाई जाए हमारे इधर। पुरानी लाइन से कम पानी तो मिलता था पीने के लिए, आने के लिए, अब तो वो भी फाड़ के फेंक दिया गया है। ऐसे कितने लोग परेशान? पूरा मोहल्ला ही है सर, आधी बस्ती परेशान है। आधी बस्ती में पाइपलाइन डाल चुकी है और आधी बस्ती मतलब पानी पाइपलाइन डाली नहीं है जी। जो जो आप परेशान है, कौन से वार्ड है? 7 नंबर 7 भी है। और चोरी से BCN न्यूज के लिए संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट।